आप कल को तलाशते रहे दिन भर और आज शाम होते होते आपका आज भी चला गया। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 22 दिसंबर यानी कि आज का राशिफल के इस विशेष एपिसोड। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 22 दिसंबर 2020 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में रुपए पैसे की जरूरत होने पर क्या करें, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि है, शाम को 6:14 तक, उसके बाद में नवमी आरंभ हो जाएगी। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और आज चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर 3 से लगा करके 4:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में प्राय कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो मुहूर्त बता रहा हूं, शुभ चौघड़िया मुहूर्त, उसमें सभी शुभ कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। वह समय काल है 11:56 से 2:56 तक और वापस 4:30 से लगा करके 5:56 तक, तो इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है, भाग्यशाली है। वहीं आज वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा सूल लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, तो फिर आप गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा सूल दोष का परिहार हुआ। अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, अमर योग, हर्ष योग, इन सभी का साथ मिलेगा। तो जितने ज्यादा शुभ योग होंगे उतना ज्यादा आपका जीवन शुभ रहेगा, सुविधापूर्ण रहेगा या आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी। ठीक इसके विपरीत यदि कुंडली में अशुभ योग ज्यादा है, दुर्योग ज्यादा है, तब संघर्ष ज्यादा होगा, अभाव ज्यादा होंगे और जीवन में दुख ज्यादा मिलेंगे। तो आपका प्रश्न होगा, तो ये सभी जो शुभ योग कितने हैं, अशुभ योग आपकी कुंडली में कितने, इसका पता कैसे चले? तो आप अपनी राजयोग की कुंडली बनाइए, क्योंकि जीवन में एक बार ही कुंडली बनाने की आवश्यकता होती है। हर बार कहीं पर भी जाएं मिलने के लिए किसी भी ज्योतिषी से, वहां पर कुंडली एक नई लेकर के आ जाए, उसके फायदा कुछ भी नहीं होगा। आपकी कुंडली सेम रहने वाली, जिस दिन आप पैदा हो गए, जिस समय पैदा हो गए, जिस स्थान पर पैदा हो गए, उस समय से, उस डिटेल से जो कुंडली बनेगी, 100 बाद में कुंडली बनाएंगे तो भी वही कुंडली बनने वाली है। और उसी समय जस्ट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ और उसी समय कुंडली बनाना चाहें, सेम कुंडली बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में राजयोग की कुंडली बनाइए, ताकि आपको उस कुंडली से आसानी से पता चल जाएगा कि इस कुंडली में कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं और कितने मिश्रित योग हैं। क्योंकि राजयोग की कुंडली का अर्थ है कि आपकी एक ही कुंडली में बहुत सारी कुंडलियां होना। तो एक कुंडली में वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली और इन सभी का पूर्ण विश्लेषण और साथ में इन सभी के उपाय भी। एक और अलग कुंडली होगी जो राजयोग की ही कुंडली होगी, राजयोगों का विश्लेषण, राजयोगों का वर्णन होगा और आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो आपकी कुंडली में राजयोग है उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल मिलेगा। और जो अशुभ योग हैं, क्यों अशुभ योग भी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हर कुंडली में सिर्फ शुभ योग होंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये मिक्सअप है, ये आपको ध्यान पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं और कितने अशुभ योग हैं और जो अशुभ योग हैं उनका फल क्या मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी इच्छा है अपनी या जीवन साथी की, क्योंकि आपके साथ में जीवन साथी की कुंडली जरूर होनी चाहिए ताकि जीवन साथी की कुंडली से आप पता कर पाए कि उनकी कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है, तो उनके नाम से स्ट्रेंथ, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके नाम से बिजनेस कर सकते हैं। और या फिर संतान की कुंडली, क्योंकि आने वाला भविष्य तो उन्हीं का है, तो संतान के नाम से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उनकी कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब कुछ पता चल सकता है राजयोग की कुंडली से। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है, आपको घर बैठे आपकी राजयोग की कुंडली मिल पाएगी। आइए अब बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सूर्य की अनुकूलता से मैनेजमेंट स्किल में इंप्रूवमेंट होता है, अधिकारों में वृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है? वहीं सूर्य की प्रतिकूलता से, नेगेटिविटी से सरकारी बाधाएं मिलती है, झूठे दोषारोपण हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी हो सकती है। और सूर्य की प्रतिकूलता से ही
आपके पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एपिलेप्सी अर्थात कुष्ठ रोग, ये सब भी सूर्य के कारण, सूर्य की प्रतिकूलता के कारण, सूर्य की नेगेटिविटी के कारण हो सकता है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में मिथुन और तुला राशि, इन दो राशियों को शनि का ढैया चल रहा है, तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशि वाले लोगों को शनि की साढ़ेसाती चल रही है। तो आने वाले समय में मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी कीजिए सूर्य और शनि की पूजा, आराधना, उपासना, दान, विशेष विधि विधान के अनुसार मकर संक्रांति कलश के माध्यम से। इस एक ही कलश में आप सभी लोगों के सूर्य और शनि से संबंधित दान, पूजा, धारण करने योग्य, स्थापना करने योग्य ये सभी सामग्री होगी। जीवन में तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और अधिकार प्राप्त करने के लिए, जीवन के प्रत्येक सेक्टर में शिखर पर पहुंचने के लिए इस मकर संक्रांति पर्व का उपयोग जरूर करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उन पर संपर्क करें, वो आपको घर बैठे मकर संक्रांति कलश भेजने का प्रबंध करेंगे। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 22 दिसंबर 2020 के लिए। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 12th हाउस में मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान है, एक्सपेंसेस हाउस में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, और यों भी नक्षत्र तारा सिद्धांत की वजह से वध तारा का साथ शुभ नहीं है, अष्टक भाव में 28 डॉट है। ऐसे में यह चंद्रमा 67% नेगेटिव फल देगा और 33% ही आपका बचाव का साधन मिलेगा। तो आज अनावश्यक और अनचाहे खर्च आपको करने पड़ेंगे, हेल्थ संबंधी समस्याएं आ सकती, प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों से ईर्ष्या हो सकती है या आपको गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन में आप आ सकते हैं, और बहुत से लोग आज सोच विचार करके डिप्रेसिव थॉट का शिकार हो सकते हैं, नेगेटिव सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। आपने भी मेहनत की, दूसरे ने भी मेहनत की, उसको फल मिल गया और आपको नहीं मिला, तो इस चीज में बहुत बार जो आपको मालूम नहीं है वो फैक्टर्स भी काम करते हैं। बहुत से लोग उसे किस्मत बोलते हैं, बहुत से लोग उसे संयोग बोलते हैं, लेकिन ये काम जरूर करता है। राशि से 12वां भाव लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, तो आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अपने घर वालों से, परिवार वालों से, साथ में काम करने वाले लोगों से, कलीग से या अपने सीनियर से आज के दिन व्यर्थ में ही वाद विवाद हो सकता है, और यदि आप खुद ऑनर हैं फैक्ट्री के तो अपने वर्कर्स हैं या जो लेबर हैं उनके साथ में व्यर्थ में ही वाद विवाद हो सकता है, और यदि सावधानी से कोई काम नहीं किया तो व्यर्थ में ही आपको चोट भी लग सकती है, कोई दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। आज का दिन गलत फहमियों के रूप में भी जाना जाता है, जो आपने नहीं किया उसके लिए दोषारोपण आपके ऊपर किया जा सकता है, जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है, और आज के दिन यदि आप यात्रा करते हैं तो यात्राएं भी उद्देश्यहीन रहेगी, अर्थात व्यर्थ में ही आप किसी के साथ में टंगे और घूम फिर करके आगे, लेकिन आपको उस यात्रा का फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का साथ अर्थात कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वक में 32 डॉट, यह कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% बेटर बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके सभी प्रयास आज आगे बढ़ेंगे, सक्सेस देंगे, एप्रिसिएशन देंगे, गेन देंगे, और जो आज के दिन एफर्ट करेंगे सिर्फ गेन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उनकी वो भी कामना पूरी होगी। और जो व्यापारी हैं वो व्यापार का उद्देश्य यही है लाभ कमाना, उसमें वो सक्सेस हो जाएंगे और या फिर उनका कामकाज बढ़ जाएगा, जो वो डील चाहते हैं, जो वो एग्रीमेंट चाहते हैं, जो वो सौदेबाजी चाहते हैं वो उनके हाथ में होगी, वो जिस ढंग से चाहें उस ढंग से मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज उनका दिन है, उन्नति का दिन है। सब मिला करके आज के दिन खुशहाली आपको मिलेगी, आपकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आएगा, हेल्थ भी आज आपका साथ देगी, और हमेशा देख लीजिए जब अच्छा समय होगा तब हेल्थ ठीक रहेगी और जब बुरा समय होगा तब हेल्थ भी प्रॉब्लम करेगी। तो ऐसी स्थितियों में जो लोग भी नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं, उनको उस टाइप की नॉलेज मिलेगी या किसी न किसी एक्सपर्ट से मुलाकात हो जाएगी। जो यंग लोग हैं या यंगस्टर्स हैं उनको अपोजिट जेंडर से मेल मुलाकात का मौका मिलेगा, और यदि आपका कोई न्यायिक मामलों में कोई काम अटका हुआ है, जुडिशरी मैटर में कोई काम अटका हुआ है, या आपको कुछ न कुछ ऑर्डर चाहिए, स्टे चाहिए, कॉपी चाहिए, उसमें आपको आज सक्सेस मिल जाएगी। सब मिलाकर के जीवन में सुख की स्थिति आज ज्यादा है। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है, मंगल के साथ में चंद्रमा विराजमान है, ये लक्ष्मी योग बनाता है। जिसको चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बोला जाता है वो स्थिति यहाँ पर है। और यों भी चंद्रमा राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति का स्वामी है, जिसका कर्म से संबंध हो रहा है, यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक में 23 डॉट, यह कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। व्यापार में, आपके कैरियर में, आपके एफर्ट में, रोजगार में, आपके प्रोफेशन में, हर सेक्टर में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, या आप खुद अपने काम करके अपने खुद के कामों में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और साथ ही साथ आपको काम करने में मज़ा आएगा। जिन लोगों ने नया नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोगों को भी साहस में वृद्धि होगी, अर्थात ज़्यादा बड़ा काम करने की इच्छाएँ उनमें पनपेगी, उनको प्रेजेंट काम समझ में आ चुका है। आज का दिन पारिवारिक और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, अधिकारों की वृद्धि होगी, खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान, आत्मविश्वास और साथ में पद में वृद्धि या अधिकारों में वृद्धि का सुख आप देख पाएंगे। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है 1। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में, आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। हालांकि बृहस्पति और शनि दोनों सप्तम भाव में शुभ स्थिति में, क्योंकि शनि पंच महापुरुष में से एक शशि योग का निर्माण करता है, तो बृहस्पति भी राशि से सप्तम भाव में बैठ करके शुभ फल देता है। और यहाँ पर चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी ही हैं, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। मंगल विराजमान साथ में, ये केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है उसको राजयोग कहा जाता है, वो स्थिति आपके सामने। और सूर्य जो कि राशि से 6th हाउस में स्थित है, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ है। और सबसे अच्छी स्थिति यदि आपकी कुंडली में इस समय कुछ है तो वह है राहु का 11th हाउस में स्थित होना, उसका फल आपको निरंतर आपके आइडियाज़ में, आपके व्यू में, आपकी प्लानिंग में दिखाई दे रहा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीक बना देता है। ऐसी स्थिति में आप आज प्रेशर में काम करेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, या आपके ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो सकता है। आप कहीं न कहीं अनस्टेबल, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन में, प्रेशर में या डर करके काम करेंगे। और जो इस व्यवसायी लोग हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़े सौदेबाजी में नहीं उलझें, क्योंकि इसमें बहुत शानदार गेन की स्थिति नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको आगे का दिन अर्थात 24 पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख की रात को 24 तारीख आ जाने पर सुबह 4:30 बजे चंद्रमा चेंज होकर के मेष राशि में आ जाएंगे। वहां से स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा आएंगी, वहां से कंटिन्यू 4 दिन आपको बेटर गेन के मिलेंगे। आज व्यस्तता ज्यादा रहेगी या काम भी ज्यादा होगा और उससे थकावट भी आएगी, कमजोरी भी आएगी, लेकिन हर हालत में आपको आस्था, धार्मिकता या ये बोल सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो आपको जरूर मिलती रहेगी। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है 4। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वक्त में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, 33% सपोर्टिव स्थिति में बना देता है। तो आज के दिन आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, और लापरवाही आज के दिन सिर्फ आपको धोखा देगी या लॉस देगी। तो आज का दिन लड़ाई झगड़े में, इरिटेशन में, बहुत ज़्यादा बेचैनी में, आकस्मिक आपदा या विपत्तियों का सामना करने में निकलेगा। आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, आप कानून मामलों से दुखी हो सकते हैं या आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट कर सकता है। और घर में भी अपने पेरेंट्स से, संतान से या जीवन साथी से कोई न कोई बात का विवाद हो सकता है। हेल्थ में भी खाने पीने से संबंधित या फिर सांस लेने से संबंधित तकलीफें आ सकती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। आज का लकी कलर है व्हाइट और आज का लकी नंबर है 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है मंगल के साथ में। आपकी राशि का अधिपति बुध सूर्य के साथ में विराजमान है। सूर्य और बुध दोनों बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं, जो कि सुख भाव में स्थित है। बृहस्पति और शनि, यहां पर बृहस्पति नीच राशि में होते हुए भी बलवान स्थिति में राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है, यह फल आपको मिल रहा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक में 34 डॉट,
ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो सरकारी लेन देन हो, सरकारी कामकाज हो या व्यापारिक कामकाज हो, प्रोफेशनल कामकाज हो, सौदेबाजी हो, ट्रेडिंग हो, आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, जानकारी आपको मिलेगी या कोई शानदार टिप मिलने से, कोई शानदार अंदर की कोई नॉलेज मिलने से, अंदर की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी मिल जाने से आप उसमें गेन कर पाएंगे। रिसोर्सेज से फायदा ज़्यादा होगा, नए नए रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, जान पहचान से फायदा कमा सकते हैं और आज के दिन आपका नेम फेम या आपके खुद की स्ट्रेंथ आज बढ़ेगी। जो आप ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे हैं वो ट्रांसफर का ऑर्डर आज आपको आ सकता है या आपको न्यूज मिल सकती है कि आपका काम होने वाला है। आज के दिन दाम्पत्य सुख, अच्छा खाना पीना पहनना, सुखद यात्रा का सुख और साथ ही साथ संतुष्टि भरा आज का दिन होने वाला है, अच्छी नींद आने वाली है। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वक्र में 38 डॉट, यह कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव, 100% शुभ बना देता है। राशि से 6th हाउस में मंगल को शुभ माना जाता है, तो मंगल यहां पर आपको सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ यहां पर चंद्रमा और मंगल दोनों ही 6th हाउस में है और चंद्रमा आपकी कुंडली से 10th हाउस का मालिक है, मंगल आपकी कुंडली धन और संपत्ति का या 7th हाउस का मालिक है, यह कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी कंपटीशन वाले एफर्ट करेंगे, वाद विवाद में विजय के लिए या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे वो आपके सफल होंगे। चाहे आप आज के दिन दूसरों के साथ में जाकर के एफर्ट करें, मेहनत करें, तो सारा यश आपको मिल जाएगा कि आपके आइडिया से, आपके बात करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाहे वो प्रॉब्लम लेन देन से संबंधित हो सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा निपटारे को लेकर के हो सकता है, कोई व्यापारियों में ही आपस में ही दुश्मनी को लेकर के कोई आपको बीच बचाव करना पड़ सकता है। इन सारी स्थितियों में आपके लिए स्थितियां बेटर है, फायदेमंद है, अर्थात जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अपनाएंगे या करेंगे, यश मिलेगा, तो सभी ढंग से आपका दायरा बढ़ेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा, आपका नाम भी बढ़ेगा। आज के दिन फाइनेंशियल गेन, रोगों से राहत, भाग्य में वृद्धि या ये बोल सकते हैं कि यश में वृद्धि और लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट, खुशी, आनंद, सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन, ये सारे सुख आज आपके पास में होंगे। जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतर है और साथ ही साथ जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं वो भी आज फ्रेंड के साथ में खुशी और आनंद का उत्सव मनाएंगे और जो स्टूडेंट हैं वो आज के दिन अपने फ्रेंड के साथ में अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है और यों भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक वक्र में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीक अनसेटिस्फेक्शन देने वाला बना देता है। तो आज के दिन मानसिक परेशानियां या चिंताएं आपको परेशान करेगी। जो भी आपका कामकाज, आप घर में बैठ कर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो भी आप कोई ना कोई रूमर से परेशान रहेंगे, आपको तो वो सुख नहीं मिला, आपको वो स्ट्रेटजी नहीं मिली, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो गेन नहीं मिला जो दूसरों को मिला है। तो ये सोच विचार करके रूमर्स पर अपने आप को परेशान मत कीजिए, उसका फैक्ट तलाशिए, सही है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचिए और नहीं तो ऐसे ही लोग अफवाह उड़ाते रहेंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बच्चों की बीमारी को लेकर के या फिर अपनी एजुकेशन को लेकर के संतान सुख से संबंधित बातें या संतान के जीवन से संबंधित सोच विचार करके आप परेशान हो सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, संतान भी इस समय सिर्फ अपनी एजुकेशन ले रही है, लेकिन आप उनके लाइफ को आगे तक ले जा करके सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा, उनका कैरियर क्या होगा, शादी कैसे होगी, बच्चे कितने होंगे या उनके लिए मैं क्या कर पाऊंगा। ये सोच विचार एक्सट्रीम है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है और जो वर्तमान है उसके साथ साथ में आप फ्यूचर का थोड़ा सा सोचिए। आप पूरा फ्यूचर एक ही दिन में डिसाइड नहीं कर सकते या आपके हाथ में ही सब कुछ है, ऐसा भी मत सोचिए। राशि से 5वें भाव में जब भी चंद्रमा हो इन्वेस्टमेंट से बचना है,
पर्सनल अट्रैक्शन से बचना है, अर्थात मोह जाल, बुरी आसक्ति, दुर्भावना, इन सब से आज के दिन आपको खतरा है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं और आज के दिन यात्रा करना भी अच्छा नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। शायद कामकाज हो भी जाए लेकिन यात्रा में कुछ न कुछ परेशानी, या फिर जहां पर भी आप जाएं वहां पर वेलकम हो वो स्थिति नहीं हो पाएगी। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, परेशान करता है, मेंटली टॉर्चर कर देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपका बचाव करने वाला, 33% आपको दुख देने वाला बना देता है। राशि से फोर्थ हाउस में मंगल भी सुफल नहीं देता है और राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा भी सुफल नहीं देता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सूर्य फर्स्ट हाउस में व्यक्ति को डोमिनेटिंग बना देता है, मैं ही सही हूं ये विचारधारा उसके अंदर पनप जाती है, तो ये पूरा एक महीना वो डिस्टर्ब हुए रखता है, अर्थात अपने आप में जलता रहता है, दुखी रहता है, खून जलाता रहता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन आप इमोशनली सेंसिटिव होकर के, ट्रांसपेरेंट होकर के, काइंड हार्टेड होकर के लोगों का सपोर्ट बहुत करेंगे, लेकिन बदले में आपको दुख ही मिलने वाला है, बदले में आपको फॉल्स एलिगेशन ही मिलेंगे और आप खुद भी फिर ज़्यादा दुखी, फिर ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन आपको सपोर्ट मिलने का नहीं है, लोग आपको सिर्फ एम करेंगे। और ऐसे में जो आपके पेरेंट्स हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, या फिर समाज के जो बड़े लोग हैं उनके साथ में भी आप किसी न किसी बात को लेकर के अपना पक्ष रखने में बहसबाजी कर सकते हैं। सामान चोरी हो सकता है या सामान खो सकता है, उससे आपको सावधानी रखनी है। और जो रिलेशनशिप में प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, आप अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे और संदेह के घेरे में आ जाएंगे। आज के दिन पेट की गड़बड़ी, छाती में दर्द या बेचैनी, और या फिर माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के, और या फिर दादी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें कोई न कोई ऑब्स्टिकल्स आपको आएगा, या सारे दिन जो भी आप बिजनेस करेंगे, काम काज करेंगे, उसमें डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा महसूस होंगे। आपका शरीर कहीं है और आपका मन कहीं है, ये दो अलग अलग जगह पे होंगे। आज का लकी कलर है सिल्वर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। इस चंद्रमा के कारण फाइनेंशियल गेन, आपकी प्रॉपर्टी में कुछ अच्छी स्थिति या प्रॉपर्टी मिलने की स्थिति हो सकती है, बातें हो सकती है उस बारे में। आज के दिन कोई न कोई ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, चाहे वो बंटवारे के रूप में मिले या फिर आपके पेरेंट्स से मिले, पियर से मिले या ससुराल से मिले, कहीं से भी मिले, कोई इनको गिफ्ट आज के आपके पास में आने वाला है। और आपके जान पहचान के सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, नए नए लोगों से जान पहचान हो सकती है, और या फिर बहुत पुराने सर्कल में कोई आज आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंच सकता है। आज के दिन जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे और आपके पास में एनर्जी, फिटनेस और कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ कमाल का होगा और उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करके गेन कर सकते हैं, अपना जान पहचान के सर्कल से आप फायदा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, और घर के बाहर दोनों तरफ खुशी और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन जो यंगस्टर्स हैं वो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे और उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा 6th हाउस का लॉर्ड है, रोग भाव का अधिपति होकर के धन और संपत्ति भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% मायूस करने वाला बना देते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानियों के साथ में सक्सेस मिलेगी, अतः संघर्ष के साथ में आपको गेन मिलेगा, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। इजी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, मन में उलझन होगी या जो भी आप एफर्ट करेंगे उनमें ऑब्स्टिकल्स आएगा, काम को धक्का मार मार करके चलाना पड़ेगा,
जिन लोगों ने नया नया कोई काम स्टार्ट किया है उन लोगों को परेशानियां ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उनको उस बिजनेस के बारे में सब कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में आपको सीखना ही पड़ेगा, अपने कलीग से, अपने स्टाफ से या फिर अपने सीनियर से व्यर्थ में ही बहसबाजी हो सकती है और फिर वो आपको और परेशान कर सकते हैं यदि आप जॉब करते हैं तो। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल गेन की स्थिति नहीं है, पैसा फंसने की स्थिति ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर की सौदेबाजी करनी पड़ेगी और स्पेशली इन्वेस्टमेंट से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे और खर्चे बिजनेस पर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ खुद पर भी खर्चे हो सकते हैं। राशि से सेकंड हाउस में चलना व्यक्ति को लालच में, पाप कार्यों में, दुर्भावना में फंसा देता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और ऐसे में व्यर्थ में ही बदनाम हो सकते हैं। आज नहीं तो कल जो भी नेगेटिव करेंगे, खराब काम करेंगे, उनका फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन आज के दिन व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, थकेंगे भी बहुत ज़्यादा। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विद्यमान है। यह चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वक्र में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आज का दिन भाग्योदयकारी दिन है, भाग्यशाली दिन है, शुभ संयोग आपके सामने आएंगे। जितना फायदा आप उठा सकते हैं, जितना फायदा आप कमा सकते हैं, जितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, उतना आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन गेन वाला दिन है, सक्सेस का दिन है, एप्रिसिएशन का दिन है, प्रोग्रेस का दिन है। और इससे आपको जो भी एफर्ट करेंगे, जिस सेक्टर में भी एफर्ट करेंगे, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आज का दिन यात्राओं के लिए अच्छा है। आज का दिन आदर और सत्कार पाने के लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी लेवल और हेल्थ आज बहुत शानदार रहेगी। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, आनंद की वर्षा, बहुत अच्छी नींद, ये सारे शुभ फल आज आपको मिलेंगे। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। रुपए पैसे की जरूरत होने पर क्या करें? जिस व्यक्ति को रुपए पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प ला करके अपनी तिजोरी, अपना कैश बॉक्स, अपना गुल्लक या फिर अलमारी में लाल कपड़े में लपेट करके रखे। और वो लाल कपड़ा रेशमी वस्त्र होना चाहिए, अतः शाइनिंग वाला कपड़ा होना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति को फाइनेंशियल इनकम या वो उसको जो एट प्रेजेंट धन की जरूरत है उसका साधन उसका पूरा हो जाता है, अतः वो पैसा उसको कहीं से भी मिल जाता है, उसका काम अटक नहीं सकता है। और यदि ऐसा हर शुक्रवार नियमित करते रहें तो आपका आर्थिक स्मृति देखते ही देखते बदल सकती है, इंप्रूवमेंट के स्टेज पर आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन जो लाल कपड़ा है वो सेम के सेम रहेगा, सिर्फ आप कमल का पुष्प है वो हर शुक्रवार को बदलते रहेंगे और जो पुराना पुष्प है वो किसी मंदिर के प्रांगण में या कोई भी पेड़ पौधा हो उसकी जड़ों में आप छोड़ सकते हैं और या फिर शुभ स्थान पर, पवित्र स्थान पर आप विसर्जित कर सकते हैं। सड़क पर या ऐसे ही मत फेंक दीजिएगा, इसका ध्यान रखना है बस। ये तो हुआ आज के राशिफल का उपाय, लेकिन आने वाला समय कैसा है? क्योंकि हर व्यक्ति की जिज्ञासा, चाहे वो अखबार पढ़े, मैगजीन देखे, न्यूज चैनल देखे या आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, YouTube के माध्यम से ही प्रोग्राम है, लेकिन आपका एक्साइटमेंट तो रहता है कि आने वाला दिन कैसा है, आने वाला गोचर कैसा है, आने वाला माह कैसा है और इसी सिलसिले में आने वाला वर्ष कैसा है, आपकी ये जिज्ञासा हमें मालूम है। इस स्थिति को हमने बहुत विस्तार से और एक प्रकार से विश्लेषण के रूप में 2021 का राशिफल आपको सौंपा है। आपके अपने चैनल पर 2021 का वार्षिक राशिफल उपलब्ध है। आपको सिर्फ इस राशिफल को देख करके भविष्य की प्लानिंग करनी है, क्योंकि 2021 में आपकी आय, आपका प्रॉफिट, आपका गेन कैसा होगा, धन और संपत्ति की स्थिति होगी, इन्वेस्टमेंट की स्थिति कैसी होगी, ये सब कुछ बतलाया है इसी एपिसोड में। साथ ही साथ आपका पारिवारिक सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, शिक्षा और संतान के बारे में, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में और विशेष रूप से आपका दाम्पत्य सुख और गृह सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी मैंने बात की है जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और 2021 में विशेष रूप से आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके बिजनेस की क्या स्थिति रहेगी,
कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा गेन होगा या कौन से सेक्टर में आपको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्ष भर में हर सेक्टर में शुभ समय क्या होगा और अशुभ समय क्या होगा, ये सब कुछ भी आपको वर्णन मिलने वाला है और उसको आप नोट करके रख सकते हैं या उस एपिसोड को आप शेयर कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार काम आएगा। और 2021 के राशिफल में 2021 में विशेष रूप से आपको क्या उपाय करने हैं वो भी मैंने बतलाया है। तो 2021 का वार्षिक राशिफल आपके हाथों में है, आपके मोबाइल पर है, आपके अपने चैनल पर है। जब आपको वक्त मिले इस एपिसोड को देख लीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आने वाला समय कैसा है। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला समय सुखद हो, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि सुख होगा या दुख होगा। लेकिन आप यदि बहुत अच्छा समय तो उसके लिए रेडी हो सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर के और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो आपके लिए सीढ़ियाँ एकदम लिफ्ट की तरह जाएगी। और यदि समय ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा अवेयर होकर के और ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आप आगे बढ़ जाएंगे। या ये बोल सकते हैं नुकसान को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो वो भी आपकी जीत ही है। तो ऐसी स्थिति में हर हालत में आगे बढ़ना है, ये निश्चित है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या प्रयास करने, क्या उपाय करने हैं, किस चीज़ से सावधान रहना है, वो मैंने आपको बतलाया। लेकिन फिर भी जो राशि के अनुसार है वो तो जनरल है, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूं कि ये जो राशिफल है ये एक राशि के हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज्यादा बतलाएगी। तो यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस समय आपको फायदा ज्यादा होगा, क्या सावधानी रखनी है संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, या आपके दाम्पत्य सुख के बारे में, जो जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे संबंधित आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले सपनों के बारे में बात कर सकते हैं, जो आपकी कामना है उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी आपकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार क्या करने चाहिए वो सब कुछ आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है जोधपुर ऑफिस के वो ही काम आएंगे। अपॉइंटमेंट बुक होते ही आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में कोई भी तीसरा पर्सन नहीं होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम भी है, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होगा, जो भी विश्लेषण होगा, जो भी सावधानी होगी, मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।